अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल जुनेद जमशेद। एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज एक बार फिर हम एक हैन के सेटअप पे, बेसिकली ये मल्टीपल चीज़ों का सेटअप है। इस पर पीकॉक्स भी मौजूद हैं, टर्की मौजूद हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फैंसी ब्रीड की हैंस के ऊपर काम किया है। तो आज हम ये फैंसी बर्ड्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आइए यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, मालूमात करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर रखी हुई है बर्ड्स को और किस तरीके से ब्रीड कर रही हैं कराची में। तो आइए बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। तो ये बताएं, सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था और अब किस पोजीशन में आपका सेटअप? ये स्टार्ट में शुरू में शौक़ था मुझे, एक पेयर जैसे ख़रीदा मैंने, तो फिर बस उसी से ऐसा ऐसा शौक़ से ये कारोबार बन गया माशाल्लाह से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे पास हर महीने कम से कम जो है इसमें तकरीबन 8-10 ब्रीडर पेयर आते हैं, फिर बच्चों की तो ला तादाद है माशाल्लाह से। और ये माशाल्लाह पंजाब से हम यहाँ ब्रीड मतलब मंगवा के यहाँ सेल करते हैं, तो पंजाब में हमारा ब्रीडिंग फार्म है इस चीज़ का ना। अच्छा, बेसिकली किसके ऊपर ज़्यादा फोकस है आपका, पीकॉक्स के ऊपर, हैंस के ऊपर या टर्की के ऊपर? जी फिलहाल तो पीकॉक के ऊपर है माशाल्लाह हमारा राधा गेंदा, इसकी ना अच्छी से अच्छी ब्रीड लेके आए जैसे, और अच्छी से अच्छी इसकी वैरायटी लेके आए ना, तो पीकॉक और टर्की वगैरह कम है ज़रा, और फैंसी जो है ना इसके ऊपर भी इंशाल्लाह। चलें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जब आपने स्टार्ट किया तो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और आपने कितना गेन किया उससे? जी स्टार्ट में तो मैंने समझ लो भी इसमें तकरीबन 20-25,000-30,000 इसी से स्टार्ट किया, आगे ऐसा 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 माशाल्लाह अभी तो माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी अच्छा काम हो चुका, मेरा बिज़नेस बन गया इसका। तो कितनी इनकम हो जाती है? इनकम तकरीबन महीने की इसमें 25-30,000 रुपये महीने की आराम से, इसमें जो है ना ये समझ लो पार्ट टाइम काम है मेरा, तो ये सुबह दाना पानी डाला जैसे थोड़ी देखभाल की, पार्ट टाइम काम ही माशाल्लाह इसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, सिर्फ पीको की हैन की इसके अलावा। चलें तो आइए व्यूवर्स, आप लोगों को पहले इनका सेटअप एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक करके आप तमाम व्यूवर्स को इनके पास जो बर्ड्स मौजूद हैं उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी ब्रीड व्यूवर्स को दिखाना पसंद करेंगे? सबसे पहले मैं आपको ना पाइट मोर का दिखाता हूँ, तो वो आप देख लें ज़रा। चलें तो व्यूवर्स आइए पीकॉक्स के सेक्शन में देख लेते हैं, सबसे पहले इनके पास कौन कौन सी ब्रीड है और कितनी अच्छी ब्रीड करी हैं आप? जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं पीकॉक्स, इनके बारे में बताएँ, बेसिकली पाइट से हैं जी। पाइट का एक तो पेयर है ये और एक मेल है सिर्फ। पाइट कौन से हैं ये, ब्लैक शोल्डर हैं, ब्लू शोल्डर हैं? नहीं, ये ब्लू पाइट कहलाते हैं यहाँ ना, ब्लू पाइट हैं ये जी, जी। तो अभी क्या एज है इनकी? अभी इनकी तकरीबन मेल जो है एक 3.5 साल का, एक 4 साल का है, फीमेल भी एक 3 साल की है जिसके साथ है ना। तो ब्रीडिंग के काबिल कब तक हो जाते हैं ये? तकरीबन अभी टेलें जैसे गिराई ना, अभी निकाल रहे हैं टेलें इनकी, तकरीबन एक एक हाथ टेलें निकल आई हैं जैसे, तो ये इंशाल्लाह जनवरी में स्टार्ट कर देंगे ब्रीड। और अगर इतने बड़े मोर देखे जाएं तो उनकी क्या कॉस्ट होती है, कितने तक के मिल जाते हैं? देखें फुल ब्रीडिंग सीज़न में तो ये तकरीबन 35,000 से 40,000 का पेयर मिलेगा, लेकिन अभी जैसे टेलें गिराई हुई हैं अभी थोड़ी कीमत इनकी कम है, तो अभी मेरे पास जो पेयर की कीमत है ना ये 30,000 रुपये में बिल्कुल पूरी कराची में इसका अल्हम्दुलिल्लाह रेट की गारंटी है, तो कम से कम कॉस्ट में जो ना हम अपने अपना मतलब कस्टमर को जो सेल करते हैं, ये 30,000 रुपये में भी ये ब्रीडर पेयर मिलेगा आपको। आप बता रहे हैं 30,000 इसकी डिमांड है और फुल मैच्योर्ड है, फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग है? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं ब्रीड, ये ब्रीड पहले कर चुके हैं एक दफ़ा ये ना, कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अच्छा मैं देख रहा हूँ फीमेल जो है इसमें वो पाइट नहीं है जी। ये फीमेल ना इसमें थोड़ा सिल्वर का क्रॉस आ रहा है, सिल्वर पाइट का है ये भी पाइट, ये तो जी ब्लैक शोल्डर से, ब्लैक शोल्डर से ये पाइट जी जी, ये ब्लैक शोल्डर से पाइट है ये। अच्छा, तो टू ब्रीड्स की एक ये हाइब्रिड कलर आ गया है बेसिकली जी जी। अच्छा, पेयर के आपने 30,000 बनाए बताए हैं, अगर कोई ट्रायो लेना चाहे तो? जी ट्रायो फिलहाल तो फीमेल नहीं है, फीमेल मंगवा देंगे उसको, कोई मसला नहीं। ट्रायो का समझ लो फीमेल की जो है अपना 13,000 रुपया रेट है अलग से, तो ये 43 की पड़ जाएगी आपको ट्रायो। ओके, 43,000 की ट्रायो पड़ेगी जिसमें दो फीमेल होगी और एक मेल होगा। तो नेक्स्ट कौन से ब्रीड दिखाएंगे पीकॉक्स में? आपको ब्रीडर ब्लैक शोल्डर के हैं, ब्लैक एमरल्ड क्रॉस हैं, वो आपको दिखाता हूँ, चलें देख लेते हैं। जी जनाब, यहाँ पे हम जो पीकॉक्स देख रहे हैं इसमें बताएं कौन कौन सी वैरायटी है? इसमें ब्लू एमरल्ड क्रॉस के दो पेयर हैं, एक ब्रीडर है, एक अभी जो है मेल जो ये ब्रीड के लिए तैयार हो रहा है ये वाला ना, ये जोड़ा ही तैयार हो रहा है, और एक इसमें ब्लैक का नर है हमारे पास। अच्छा, जो ऊपर बैठा हुआ है टॉप पर ये ब्लैक का नर है? जी ये ब्लैक का नर है। क्या क्या डिमांड्स हैं इनकी? इसका ब्लैक का अगर जैसे पेयर लेते हैं तो हम 24,000 का पेयर दे देंगे, सिर्फ मेल लेंगे इस टाइम तो मेल ये 13,000 रुपये का मिलेगा, और एमरल्ड क्रॉस जैसे ये बड़ा ब्रीडर पेयर है ये 25,000 रुपये का मिल जाएगा आपको,
और एक जो अभी ब्रीड के लिए तैयार हो रहा है एक पेयर, तो ये हम 24 का दे देंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा साथ साथ कि अभी इनकी एज क्या है। ये जो ब्लैक का मेल है इसकी तो एज है तकरीबन 3.5 साल, एमरल्ड क्रॉस है इसकी 4 साल है की, और ये अभी जो तैयार हो रहा है पट्ठा ये बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। आप हाइट देखें इसकी, कान वगैरह भी इसके पीले हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी का ये। तो ये इसकी उम्र 2.25 साल है। अच्छा, तो अभी इनको ब्रीडर होने में कितना टाइम बाकी है? अभी इसी सीज़न में ये ब्रीड करेंगे, जैसे जनवरी से सीज़न स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये तीनों मेल ब्रीड करेंगे। 2 मेल तो ब्रीड करके आए हैं, ये भी इंशाल्लाह तैयार हो रहा है इस दफ़ा। जी यहाँ पे देख रहा हूँ चिक्स भी मौजूद हैं, तो चिक्स की क्या डिमांड है? जी इसमें पाइट हैं और वाइट हैं, तकरीबन ये 4-1 महीने उम्र है इनकी। तो ये जो वाइट और पाइट, ये आपको तकरीबन 9.5 हज़ार का पेयर मिलेगा। ये ना 4 से 4.5 महीने उम्र है इनकी, 4 से 4.5 महीने की एज है, और 9.5 हज़ार रुपये पर पेयर की डिमांड बता रहे हैं। तो ये बताएँ ये वैक्सीनेटेड हैं? जी जी वैक्सीनेज हुई है, इसी जुमे को वैक्सीन किया। कराची का असल में मौसम कभी गर्मी कभी सर्दी, तो कस्टमर ने किसी ने तो एक जैसे पेयर लेके जाना, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा माल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें तो ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए ना इस चीज़ की कि ये वैक्सीन फ़ौरन करवा लेते हैं इसकी ना। अच्छा, तो अभी कितने चिक्स आपके पास अवेलेबल हैं? चिक्स अभी वाइट के तकरीबन 5 हैं और पाइट के भी 3-4 हैं, और इसके अलावा इससे थोड़े बड़े ब्लू ब्लैक के भी हैं और सिल्वर पाइट के भी हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, चलें देख लेते हैं। जी जनाब, बेसिकली ये चिक्स का केज है और इसमें बड़े बच्चे मौजूद हैं, तो इनकी एज बताएं और डिमांड बताइएगा। जी इसमें एक पेयर है सिल्वर पाइट का, बहुत ही अच्छी वैरायटी है उसकी और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये पेयर है तकरीबन 7 महीने का, इसकी डिमांड कर रहा हूँ मैं 22,000 रुपये पेयर की ना। और एक वाइट मेल है, इसमें बड़ा ब्रीडर मेल है ये वाइट वाला भी, तो ये इसकी डिमांड है 18,000 रुपया। इसके अलावा एक पाइट की फ़ीमेल है और एक वाइट मेल है, ये पेयर है 7 महीने का, ये 12,000 रुपये डिमांड है इसकी ना। तो इसके अलावा ब्लैक शोल्डर के कुछ बच्चे हैं, इसमें चिक्स हैं, ये 3.5 महीने एज है, तो इसकी 7,500 रुपये में फाइनल रेट है इसका, ये ब्लैक वाले का बच्चों का ना, 3.5 महीने एज है इनकी। 3.5 माह एज है, ब्लैक शोल्डर के चिक्स हैं, और फाइनल डिमांड बताइए 7,500 रुपये। 7,500 रुपये फाइनल। तो नेक्स्ट कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? नेक्स्ट आपको मैं टर्की दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मुर्गी दिखाते हैं आप। चलें देख लेते हैं। जी जनाब, यहाँ पे जो हम टर्की देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। जी ये टर्की तकरीबन ये 5 अपना फीमेल हैं, 2 मेल हैं, तो ये इनकी उम्र अभी तैयार ही है ये ब्रीड के लिए ना, उम्र तकरीबन 9 महीने हो चुकी है, ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका जो रेट है वो आपको पड़ेगा 6,500 रुपये फाइनल पेयर का। 6,500 रुपये पेयर की डिमांड बता रहे हैं, और ये ब्रीडर पेयर बता रहे हैं यानी कि फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हो गए। सेकंड थिंग, इधर मुझे कुछ चिक्स भी नज़र आ रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं। जी इसके टर्की के, ये टर्की के चिक्स नहीं है, तकरीबन तैयार ही है, छोटे पट्टियाँ हैं, एक पट्ठा इसमें, तो ये भी इंशाल्लाह इसी ब्रीड में तैयार हो जाएंगी ये, तो इस सीज़न के लिए ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएंगे तकरीबन। अच्छा, क्या कीमत है इनमें, डिफरेंस है क्योंकि साइज़ वाइज तो हमें डिफरेंट लग रहे हैं ये। ये 2 फीमेल है ना, इसमें छोटे बच्चे जो हैं ये आप तकरीबन 2500 रुपये का हम दे देंगे एक पच्चा, और बड़ा जो पेयर है ना ये 6,500 रुपये का मिलेगा। तो चिक्स की कीमत इन्होंने 2500 बताई है, इसके अलावा जो बड़े ब्रीडर हैं टर्की उनकी जो डिमांड बताई है वो तकरीबन 6,500 रुपया। तो व्यूवर्स, आप लोगों को पीकॉक का सेक्शन दिखाया है, इसके अलावा टर्की दिखाया है, वो तमाम चीज़ें जो भी आप तमाम व्यूवर्स को दिखाई हैं उनको ये जनाब देखते हैं, डील ये करते हैं, तो इनका हम कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देते हैं। फिर इनके पास यहीं पे सेटअप में हैंड्स का भी सेटअप है, फैंसी हैंड्स है, वो कोई दूसरे हज़ार टेक ओवर कर रहे हैं, उनकी डीलिंग है, तो उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। जी जनाब, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333-2436-366, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। उम्मीद करता हूँ कोई व्यूवर अगर कांटेक्ट करेंगे तो उनके साथ आप कोऑपरेट करेंगे। जी इंशाल्लाह लाजमी, क्यों नहीं, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, जो भी हज़रात पीकॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या टर्की में इंटरेस्ट रखते हैं वो इन हज़रात से कांटेक्ट कर सकते हैं डीलिंग के लिए, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो। अब हम देखेंगे फैंसी हैंड्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कौन मौजूद है, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है हज़रत? मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब, ये बताएं कौन कौन सी ब्रीड आपके पास मौजूद है हैंड्स में यहाँ पे? सर मेरे पास ब्लू सैल्मन ब्रामा है, और मेरे पास गोल्डन सब्रैट है, वाइट सिल्की है,
और बस यही है अभी तो फिलहाल। और लाइट सुसेक्स हैं, यही हैं चार पांच आइटम हैं अभी। चलें तो देख लेते हैं, आइए व्यूवर्स केज की जानिब चलते हैं और वन बाय वन आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं सिल्की, इनके बारे में बताएं। जी ये वाइट सिल्की का ट्रायो है, ये तकरीबन इसकी उम्र है 6.5 से 7 महीने। ये अभी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देगा इंशाल्लाह जल्दी ना। तो ये हमने शौक के लिए रखे हुए थे, तो अभी ये कारोबार बन गया माशाल्लाह से। अगर ये किसी को चाहिए होगा तो हम दे देंगे उसको ट्रायो। तो क्या डिमांड होगी इसकी? इस ट्रायो की डिमांड 18,000 रुपये है। 18,000 इस ट्रायो की डिमांड बता रहे हैं। और अभी फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी होंगे? जी जी, फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी है इंशाल्लाह, अभी 10-15 दिन में ब्रीड शुरू कर देंगे। अच्छा ये बताएं नेक्स्ट कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? तो आपने सिल्की दिखा दी है, आ जाएं नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं ब्लू सैल्मन ब्रामा। चलें देख लेते हैं। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं ब्रीड, इसके बारे में बताएं। जी ये ब्लू सैल्मन ब्रामा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी ये ब्रीड स्टार्ट की है इन्होंने, तो अभी मशीन में अंडे रखे नहीं है इसके, ब्रीड स्टार्ट की है इन्होंने, तो इंशाल्लाह ये जल्दी इनके चिक्स मिल जाएंगे आपको अगर चाहिए होंगे किसी को तो। अच्छा इतने बड़े पेयर जो हैं वो कितने तक के मिल जाते हैं? तो जी ये पेयर सेल के लिए तो नहीं रखे मैंने, वैसे ये कम से कम इसका 20,000 रुपये रेट होगा पर पीस का। पर पीस का रेट 20,000 रुपये होगा। और इसके तो चिक्स आप कह रहे हैं अवेलेबल होंगे, तो उनकी क्या डिमांड होगी? चिक्स आपको तकरीबन डे ओल्ड का चिक्स 1800 से 2,000 रुपये का रेट मिलेगा इसका, तो अभी आएंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं इनकी वैक्सीन वगैरह भी कंप्लीट हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वैक्सीन हुई है, एनडी की वैक्सीन हुई है इनकी, एनडी लसोटा NDIB, भाई ये दो ही वैक्सीन हुई हैं, इसके अलावा कोई और तीसरी वैक्सीन मैंने नहीं की इनकी। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को? नेक्स्ट आप ये लाइट सुसेक्स देख लें, लाइट सुसेक्स देखें। चलें देख। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं ब्रीड, इसके बारे में बताएं। ये माशाल्लाह लाइट सुसेक्स हेरिटेज के बच्चे हैं, ये तकरीबन हैं 2.5 महीने के बच्चे हैं ये, तो ये अगर किसी को चाहिए होंगे तो ये हम दे देंगे। क्या डिमांड होगी इनकी? ये इनकी 3,000 रुपये पीस की डिमांड होगी। 3,000 रुपये पर पीस की डिमांड बता रहे हैं। और तकरीबन 3 माह के बेबीज हैं ये? जी जी जी, ये 3 माह के हैं। 3 माह के चिक्स हैं और 3,000 रुपये पर पीस यानी कि 6,000 का पेयर है। और इसमें मेल फीमेल की? मेल फीमेल इसमें 6 मेल हैं और 11 फीमेल हैं, ये 17 पीस हैं टोटल। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को? नेक्स्ट भी ये लाइट सुसेक्स देखें आप, ये बड़े पेयर हैं। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं बड़े पेयर, इनके बारे में बताएं। जी ये लाइट सुसेक्स के बड़े पेयर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये इनकी एज तकरीबन 7 महीने होगी, अभी तक ब्रीड स्टार्ट नहीं की इन्होंने, तो ये अभी रेडी ही हैं माशाल्लाह, अभी इसी महीने में इंशाल्लाह कर देंगे ये ब्रीड स्टार्ट ना। तो इतने बड़े पेयर की क्या डिमांड होती है? इतने पेयर बड़े की डिमांड तकरीबन इस टाइम ये होगा 18 से 20,000 का पेयर होगा। ये 18 से 20,000 का पेयर है? अच्छा 18,000 रुपये का पेयर दे देंगे हम अगर किसी को चाहिए होगा तो। 18,000 पेयर की डिमांड बता रहे हैं व्यूवर्स, और ये अभी ब्रीड स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को? नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं गोल्डन सब्रेट। जी जनाब, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। सर ये ट्रायो है गोल्डन सब्रेट का, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये ब्रीडर है, अभी अंडे दे रहे हैं ये, तो इनके भी अगर किसी को चिक्स चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे हमारे पास से। तो चिक्स की क्या डिमांड होगी? चिक्स इसका डे ओल्ड 1500 रुपये का है सर जी। 1500 का चिक्स बता रहे हैं जो एक दिन का होगा? जी। अच्छा इसके अलावा इतना बड़ा अगर पेयर कोई बाई करता है तो मार्केट डिमांड क्या चल रही है इसकी? इस टाइम ये तकरीबन 28 से 30,000 रुपये का पेयर मिलेगा अगर किसी को, वैसे मैं तो सेल नहीं कर रहा, वैसे ये इतने का पेयर है, 28 से 30,000 रुपये का पेयर होगा इसका। ठीक है, गोल्डन स्प्राइट। जी गोल्डन स्प्राइट है। तो व्यूवर्स ये ब्रीड इनके पास मौजूद थी फैंसी हैन में इस वक्त, तो ये बताएं आपने कहाँ से स्टार्ट किया था फैंसी हैन कलेक्ट करना और कितना आपने फ़ायदा उठाया इससे? सर मैंने ये अंडे से काम स्टार्ट किया था, मैंने अंडा लेके हेज करवाया खुद, तो ये अंडे से स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह के, ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ लेकिन ये कि नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन ये जो बर्ड मेरे पास बचे हुए हैं ये समझ लो कि मैंने अंडे लेके हेज करवाएं, तो यही मेरा फ़ायदा पड़ा हुआ है जो मेरे पास बर्ड्स हैं इस टाइम। अच्छा ये बताएं लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हैं जो है वो खुद एग्स को हैच करा लेंगे क्योंकि अच्छी ब्रीड है, तो ये होता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि इनक्यूबेटर यूज़ करना पड़ता है? जी बिल्कुल, इनक्यूबेटर यूज़ करना पड़ता है क्योंकि अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं, अच्छे ज़्यादा चिक्स लेना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी फ़ीमेल को अंडों पर तो नहीं बिठा सकते,
उसके लिए आपको इनक्यूबेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर जेन्युइनली ये बैठती भी नहीं है ना बेसिकली, ये बैठती भी नहीं है, लेकिन ये बैठ तो जाती हैं, अंडे हैच तो कर लेती हैं, लेकिन इनके लिए अंडे छोड़ने पड़ते हैं अंदर, फिर अगर अंडे नहीं उठाएंगे तो फिर बैठ जाएंगी ये अंडों पे। ठीक है, तो व्यूवर्स इनके पास जो भी फैंसी ब्रीड थी आज आप तमाम व्यूवर्स को दिखा दी जो भी अवेलेबल थी, तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स को इसमें आप कॉपरेट देंगे जितना भी हो सकेगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03215761492। नाम मेंशन कर दें। मोहम्मद अब्बास। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, आज का सेटअप का विज़िट आप तमाम व्यूवर्स के साथ हमने शेयर किया जनाब। आज यहाँ पे पीकॉक्स की कुछ वैरायटी मौजूद थी, इसके अलावा फैंसी हैंस मौजूद थी, टर्की के पेयर उनके पास मौजूद थे। तो उम्मीद करता हूँ आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आए होगी। साथ साथ आपके बेनिफिट की भी बात की कि जब भी आप कोई पेयर लें तो ये जितने भी ब्रीडर सेल कर रहे होते हैं आप तमाम व्यूवर्स के साथ कॉपरेट करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आए होगी। इसके साथ साथ यही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।